रेंजर अधिकारी बिरवाह इफ्तिकार अहमद कादरी के निर्देश पर ब्लॉक वन अधिकारी काग ने एसपी रेंज बिरवाह के वन क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर रात्रि में नाकाबंदी की। वहीं डोडोरा पोषकार खाग में अवैध लकड़ी के साथ वाहन को जब्त कर लिया गया। सुरक्षित हिरासत के लिए रेंज कार्यालय बिरवाह को भेजा गया। हालांकि एक मामला तैयार किया जाएगा और उचित समय पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी तथा एक अपराधी को मौके पर ही पकड़कर संबंधित थाना हाउस खाग को सौंप दिया गया। अन्य दो आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले। कल्पित वहाँ ये ऑन स्पॉट गिरफ्तार किया है तो वो हमने पुलिस स्टेशन को सौंप दिया है। रात को ही दो हमें फरार होने में कामयाब हो गए क्योंकि डार्कनेस थी तो व्हीकल उन्होंने छोड़ दी वहाँ ही, तो वो भी हमने सीज करके अपने तवील में ले नाइट में। हमारे अपने मुलाजिम थे जो हमारे बेड स्टाफ हैं, जैसे फारिस्ट साहब हैं हमारे बीओ खाग, तो वो हमारे साथ थे। उन्होंने ये अंजाम दिया है, वही पार्टी हेड था। ये मैंने किए हैं पर्सनली भी, मैंने उनको समझ बदकिस्मती से ये नहीं समझ रहे क्योंकि जहाँ जब से मैं आया हूँ यहाँ, मैंने यहाँ थोड़ा कंट्रोल किया है, तो हमने 8-10 गाड़ियाँ भी 8 गाड़ियाँ तकरीबन पकड़ी है आज तक मेरे पीरियड में, और घोड़े भी पकड़े हैं। हम रोज़ इनको अपील करते हैं कि ये काम छोड़ दो वरना आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई सख्त होगी, जिसमें हमने पिछले ही साल सेफ्टी एक्ट दिया है 6 बंदों को मेरे रेंज में। आवाम से अपील करता हूँ एज रेंज ऑफिसर कि ये काम छोड़ दीजिए। हमारा ये सरमाया है, अगर हम इसकी रखवाली करते हैं तो लोगों को भी फर्ज बनता है कि वो भी रखवाली करें। क्या आपको लगता है कल्पिट सारे कल्पिट से हैं? जैसे हमने इस गाड़ी के 3 कल्पिट हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिनके नाम भी, एक को हमने वहाँ ही पकड़ा है, तो फिर बाद में हमने पुलिस स्टेशन को वो हवाले किया। रात में एक नाके पे थे तो नाके के दौरान एक गाड़ी आई जिसमें एलसी टिम्बर था, इसमें 3 अफराद थे, तो 3 अफराद में से हमने एक को उसी वक्त गिरफ्तार किया, अपहरण किया है, और गाड़ी भागने में कामयाब हुई, लेकिन हमने उसका पीछा किया और पीछा होने के बाद हमने उस गाड़ी को भी सीज़ किया है, और वो बंदे जो उसमें थे हमने उनको पहचान लिया, लेकिन वो भागने में कामयाब हुए, लेकिन हमने उन दोनों को अच्छी तरह से पहचान लिया है। बीट गार्ड की हैसियत से कंपार्टमेंट S32 और S33 खाग ब्लॉक की तरफ से SP रेंज बीरवा की तरफ से ये कहना चाहता हूँ आपकी वसादत के ज़रिए, आप कॉपरेट कीजिए हमारे साथ, क्योंकि ये जो जंगलात है ये एक कौमी सरमाया है, हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि हम इसके शान व शाना ये हमारी ज़िम्मेदारी, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी के साथ साथ लोगों को भी हमारे साथ कॉपरेट करना है। तो आपकी वसादत से हम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप हमारे साथ कॉपरेट कीजिए और जंगली कटाव से परहेज़ कीजिए और जंगलात का तहफ़ के लिए हमारे साथ शान व शाना काम कीजिए।